नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। गोसाईगंज विधानसभा में पूर्व विधायक अभय सिंह के द्वारा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित। जनपद अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा में विधायक पूर्व अभय सिंह द्वारा आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जिस तरह से फैजाबाद से लेकर आगागंज टिकरी कार्यक्रम स्थल तक जगह जगह मुख्य अतिथि राजपाल कश्यप का भव्य स्वागत हुआ, उससे यह साबित हो गया है कि ये जो पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोग हैं, उनका विधायक अभय सिंह के प्रति और समाजवादी पार्टी के अगाध प्रेम और अपनापन है। कार्यक्रम स्थल में हजारों हजार की संख्या में उमड़ा जनसैलाब यह साबित करता है कि पहले ही अभय सिंह जी यहां से कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे और मगर आज भी यहां की जनता अभय सिंह जी को ही अपना नेता और अपना बेटा मानती है। वे 2022 में पुनः अभय सिंह को अपने मसीहा के रूप में अपना विधायक देखना चाहते हैं। जिस कदर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पूर्व विधायक जननायक अभय सिंह के नेतृत्व में अपार जनसैलाब एकत्रित हुआ, वाकई में इस समाज के हर वर्ग में पूर्व विधायक अभय सिंह की लोकप्रियता की झलक दिखाई दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप मौजूद रहे और देखकर गदगद भी हुए। उन्होंने अपने बयान में जाहिर भी किया, सरकार के तानाशाही रवैये के चलते आज जो जनसमूह एक इशारे पर एकत्रित हुआ है, वाकई में परिवर्तन को दर्शाता है। इस मौके पर पूर्व विधायक अभय सिंह के द्वारा मुख्य अतिथि को श्री राम दरबार और गदा देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया और आम जनता के साथ इस सप्ताह में हुए हर अत्याचार का बखूबी बदला लेने की बात भी कही गई। लाइव टीवी समाचार के लिए अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट।